फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे सुपरस्टार जो रॉयल रंबल 2022 को जीत सकते हैं, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इन्हीं सुपरस्टार्स की है कि ये रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE अपने आने वाले पेपर व्यूज की तैयारी कई महीने पहले से ही शुरू कर देती है, और उस पेपर व्यू के लिए कई सारी स्टोरीज की भी शुरुआत कर देती है। दोस्तों, WWE अपने आने वाले पेपर व्यूज को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। एक रूमर सामने आया था कि WWE अपने आने वाले पेपर व्यूज की तैयारी लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही शुरू कर देती है दोस्तों, और WWE जो रसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट की तैयारी जो है 1 साल पहले से ही शुरू कर देती है, ताकि रसलमेनिया के लिए एक प्रॉपर स्टोरी लाइन हमें दिखा सके, जिस कारण दोस्तों कई सारे मैचेस की रसलमेनिया में होने की पॉसिबिलिटी हमें पहले से ही पता चल जाती है। जैसे इस वक्त पॉसिबिलिटी सामने आ रही है कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए पॉसिबिलिटी रसलमेनिया 38 में हो सकता है। लेकिन हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल के शुरुआत में ही WWE के 4 सबसे बड़े पेपर व्यूज में से एक रॉयल रंबल होता है। जो सुपरस्टार रॉयल रंबल मैच को जीतता है, 30-man रॉयल रंबल मैच को जीतता है, उसे उसके करियर में WWE एक अच्छा पुश देती है। दोस्तों, WWE ने अपने पेपर व्यूज रॉयल रंबल की तैयारी सर्वाइवर सीरीज के लगभग पहले से ही शुरू कर दी है, और रूमर्स भी सामने आने लगे हैं कि रॉयल रंबल मैच को कौन जीत सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और 5 ऐसे सुपरस्टार को बताएंगे जो कि रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं। और दोस्तों, मैं कारण भी बताऊंगा कि ये सुपरस्टार क्यों रॉयल रंबल 2022 को जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं कि जो सुपरस्टार 30-man रॉयल रंबल मैच जीतता है, उसे रसलमेनिया के मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप के टाइटल मैच लड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, हमारे वीडियो के लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे हैं सेथ रॉलिंस। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेथ रॉलिंस 2019 में रॉयल रंबल मैच को पहले भी जीत चुके हैं, और रसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस भी कर चुके हैं। और दोस्तों, उस मैच में सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लिया था। और दोस्तों, इस वक्त सेथ रॉलिंस जो है WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है, जो WWE चैंपियनशिप के लिए बिग ई को फेस करेंगे। लेकिन दोस्तों, रूमर्स ये आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल मैच में एंट्री कर सकते हैं, और रॉयल रंबल 2022 को जीतकर रसलमेनिया 38 में रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे हैं फिन बैलर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिन बैलर कितने टैलेंटेड सुपरस्टार हैं और रिंग में कितना कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन दोस्तों, उन्हें कभी उनके डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर उन्हें हरा दिया जाता है। इस बार फिर से पिछले साल की तरह फिन बैलर के रॉयल रंबल मैच जीतने के रूमर्स आ रहे हैं। शायद इस बार फिन बैलर रॉयल रंबल 2022 को जीत सकते हैं और रसलमेनिया में चले जाएं, और दोस्तों WWE चैंपियनशिप बनने में कामयाब हो सके, क्योंकि वो अब तक WWE चैंपियनशिप हमें बने हुए नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार WWE उन्हें रॉयल रंबल मैच जिताकर उन्हें उनके करियर में एक अच्छा पुश दे सकती है। तो दोस्तों, हमारे जो लिस्ट के तीसरे नंबर पे सुपरस्टार हैं वो है कीथ ली। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल सबसे ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि कीथ ली वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो रॉयल रंबल 2021 को जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एज रॉयल रंबल मैच को जीत गए थे, और उन्होंने रोमन रेंस को फेस किया था रसलमेनिया में, और दोस्तों वहां पर उन्होंने रोमन रेंस के साथ कमाल का मैच लड़ा था। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं कीथ ली को, तो कीथ ली को NXT पर कितना जबरदस्त बुक किया जाता था और कितना जबरदस्त पुश मिलता था, ये तो हम सब ने देखा ही है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उन्हें मेन रोस्टर में डाल दिया गया, लेकिन उन्हें वहां NXT जैसा पुश नहीं दिया गया था। लेकिन इस साल रॉयल रंबल मैच को जिताकर WWE जो है कीथ ली को एक अच्छा पुश दे सकती है उनके करियर में। और दोस्तों, शायद WWE रॉयल रंबल 2022 को कीथ ली को जिता सकती है और उनके करियर में उन्हें एक अच्छा पुश देने के साथ साथ उन्हें WWE का आने वाले समय में एक मेगा सुपरस्टार भी बना सकती है। तो क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। दोस्तों, हमारे जो लिस्ट के चौथे नंबर पे सुपरस्टार हैं उनका नाम है रैंडी ऑर्टन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने WWE में रॉयल रंबल मैच को 2 बार जीता है और हिस्ट्री क्रिएट किया है। दोस्तों, रैंडी ऑर्टन ने एक बार 2009 में और एक बार 2017 में रॉयल रंबल मैच को जीता है, और दोस्तों इस साल भी उनके रूमर्स आ रहे हैं कि रॉयल रंबल को मैच को रैंडी ऑर्टन जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन जो है वो सेंट लुइस से हैं, और इस बार का रॉयल रंबल 2022 जो है वो सेंट लुइस में ही होने वाला है। तो ऐसे में WWE क्राउड का एक अच्छा रिएक्शन पाने के लिए दोस्तों रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल मैच में जिता सकती है और रैंडी ऑर्टन का एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों, WWE हमें रैंडी ऑर्टन और बिग ई के बीच में WWE चैंपियनशिप के लिए एक खतरनाक फ्यूड रसलमेनिया के लिए दिखा
खा सकती है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है, इसके बारे में तो हमें रॉयल रंबल में ही पता चलेगा। तो दोस्तों हमारे जो लिस्ट के नंबर 5 पे सुपरस्टार हैं वो हैं ब्रॉक लेसनर। दोस्तों ब्रॉक लेसनर के ही सबसे ज्यादा रूमर्स हैं कि वो रॉयल रंबल 2022 मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्राउन जूल्स 2021 में रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को चीटिंग से उनके सर पे टाइटल मारकर मैच को जीत लिया था। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर गुस्से में आकर अगले ही स्मैकडाउन के शो पर ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज पर एक खतरनाक अटैक कर दिया था, जिस कारण स्मैकडाउन के ऑफिशियल्स ने ब्रॉक लेसनर को एक अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था और उनके ऊपर $1 मिलियन का फाइन भी लगा दिया है। दोस्तों ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल 2022 मैच में रिटर्न कर सकते हैं और मैच को जीतकर रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं रसलमेनिया 38 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन पांचों सुपरस्टार में किस सुपरस्टार के सबसे ज्यादा रॉयल रंबल 2022 के मैच को जीतने के चांसेस हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं।